गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता गौर, योर आईटी टीचर फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल. ओके, हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो लिबर ऑफिस के थ्रू अपने कर रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, जिसके अंदर अपने ने एडिट द डॉक्यूमेंट जो था उसका पार्ट अपने ने कंप्लीट किया था कि किस तरह से सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर, मूविंग अगर अपने को करना हो, कॉपी करना हो, फिर उसको फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया था. ठीक है, उसके अंदर अपना एक लास्ट पार्ट रह गया था चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर. अगर आपको स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ एरर आती है या फिर ग्रामेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको किस तरीके से चेक करेंगे. और इसके अलावा एडिटिंग के अंदर आपका सिनोनिम्स टाइप का भी आपका एक पार्ट रह गया है, तो अपने को इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए स्पेलिंग वगैरह के अपने ने कुछ स्पेलिंग लिखी है, सपोज इसमें मैंने प्रोवाइडेड लिखा या फिर ग्रामर लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर चेकर. ठीक है, तो ग्रामर में मैंने यहाँ पे जी आर ए एम ए आर लिखा है. ठीक है, राइट करा है उसके अंदर, तो आपका इसमें एरर आ रहा है. एरर किस तरीके से शो करेगा, नीचे यहाँ पे रेड कलर की एक लाइन आ जाएगी. रेड कलर की लाइन का मीन्स आपने उसमें जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है. ओके, तो उसको स्पेलिंग को क्या करना पड़ता है, अपने को चेक करना होता है इसमें. तो उसके लिए अपने को किस तरीके से आपको चेक करना है वो देखते हैं. इसके अलावा आपको साथ में उसके ग्रामेटिकली भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए भी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस में जाना है, या तो अपने जो ऊपर मेन्यू बार होता है उसमें टूल ऑप्शन में जाके, टूल्स ऑप्शन में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन होता है, नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट की का यूज करना है तो हम प्रेस F7 का यूज करेंगे. ओके, नाउ आई विल शो यू. ये देखिए अपना पेज है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है इसके अंदर. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे वेब की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग कर दी. ये वेब में भी आ जाएगा, अमंग स्टार चेंज करती हूँ मैं, ए एम ओ जी कर दिया मैंने इसके अंदर. ठीक है, ए एम ओ जी क्या है, ये कोई आपका वर्ड नहीं होता है, कुछ भी नहीं. ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से अपने चेक करेंगे, इसमें आपको या तो F7 प्रेस करते हैं अपने, या फिर अपने किसको चेक करेंगे, वेट. देखिए ये अपना पूरा पैराग्राफ यहाँ पे जो जहाँ पे फुल स्टॉप आया है, देखिए ए एन जी से लेके आपकी एक लाइन कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, कोडिंग के ऊपर कंप्लीट हो रही है, तो उसने इस लाइन को ले लिया है. इस लाइन के अंदर ये सिर्फ एक ही एरर बता रहा है जिसका नाम क्या है, ए एन जी. ए एन जी करके आपका कोई वर्ड नहीं होता, तो देखिए यहाँ पे उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे वर्ड्स आ गए. आपको जो यूज करना है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, नहीं तो आपको अगर आपको लगता है कि नहीं है इसमें से नहीं है, कुछ और आपको लग रहा है, तो वो चीज अपने इसके अंदर लिख सकते हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे ए एन जी की जगह ए एम अमंग ये लिख देती हूँ. ठीक है, ये देखिए ए एम एन जी पे क्या आ रहा है, आपका रेड मार्क आ रहा है, तो अपने इससे रिलेटेड क्या वर्ड है, ये ए एम ओ एन जी या फिर अमीगा या फिर बिंग, इन तीनों में से आपको लगता है जो हमारा इसके लिए सूट कर रहा है वो वर्ड अपने लेंगे. तो मेरे हिसाब से अमंग है, तो मैं उसको क्या करूंगी, करेक्ट कर दूंगी. इसके अलावा अगर आपको इसमें डिक्शनरी में भी इस वर्ड को ऐड करना, क्यों, क्योंकि आपकी इसकी टेक्स्ट की एक अलग से डिक्शनरी होती है जिसके अंदर बहुत वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इसमें ऐड नहीं हुए होते. ठीक है, तो हम उसको बार बार उसमें ऐड भी कर सकते हैं डिक्शनरी में. ठीक है, तो ये वही चीज है, अगर मेरे को इसको डिक्शनरी में ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगी. अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर करिए, या फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एरर्स हैं तो आप उसको भी इग्नोर ऑल कर सकते हो. ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए अपने यहाँ पे या तो करेक्ट पे, ठीक है, या फिर ऑलवेज करेक्ट, या फिर करेक्ट ऑल, अगर बहुत सारी मिस्टेक्स है तो उनमें अगर करेक्ट ऑल करना है तो अपने करेक्ट ऑल जहाँ पे ए एम एन जी यूज हो रहा है वहां पे हर जगह अमंग आ जाए, तो उसके लिए अपने इसको क्या कर देंगे, करेक्ट ऑल कर देंगे. ओके, देन उसके बाद उसको मैंने क्या कर दिया, ये देखिए यहाँ पे ए जैसे क्लिक करा है ए एम ओ एन जी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया. ठीक है, देन
क्लोज. तो ये चीज आपकी क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड वर्क था. नेक्स्ट आता है इसके अंदर सिनोनिम्स. मुझे किसी वर्ड का सिनोनिम देखना है, ठीक है, उससे रिलेटेड और कौन से उसका अल्टरनेटिव वर्ड हो सकता है, तो उसको अगर अपने को देखना है तो वो किस तरीके से देखेंगे अपने. आपको क्या करना है, सिर्फ जो वर्ड है, जैसे सपोज मुझे बिल्डिंग का देखना है, ठीक है, बिल्डिंग का सबको मीनिंग पता है, तो मुझे इससे रिलेटेड अगर कोई सिनोनिम देखना है तो शिफ्ट अपना राइट क्लिक करके करेंगे माउस का, ठीक है. राइट क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे सिनोनिम करके आपका क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, ओके. उसके अंदर उसमें सब मेन्यूज में ये देखिए सिनोनिम्स का क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्रिएटिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, तो आप इससे रिलेटेड यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो. अगर अपने को किसी वर्ड का सिनोनिम नहीं पता है और मैं इसमें देखूंगी डिक्शनरी में, सिनोनिम्स में, टेक्स्ट एडिटर में, तो आपको इजीली इसमें मिल जाएगा, बट उन्हीं का ही मिलेगा जो इसकी डिक्शनरी में ऑलरेडी वर्ड ऐड हुए हुए हैं. बिल्डिंग आपका वर्ड उसमें ऐड हुआ हुआ है डिक्शनरी में, तो इसलिए उसका सिनोनिम उसमें दिख गया है. सपोज मेरे को अमंग का देखना है, ठीक है, तो मैंने अमंग पे क्लिक करा, देन उसमें राइट क्लिक करा माउस का, तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है जो बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद आ रहा था, ओके. तो इसलिए क्यों, क्योंकि अमंग आपका डिक्शनरी में ऐड नहीं है, ओके. नाउ नेक्स्ट इसके अंदर अपना आता है पार्ट ये सारा एडिटिंग से रिलेटेड था, ठीक है. नेक्स्ट अब अपने किस पे आ रहे हैं, इसमें फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट. आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें फॉर्मेटिंग करनी है अपने को, तो अपने किस तरीके से करेंगे, तो फॉर्मेटिंग कैसे हो सकती है, जो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर अपने बुलेटेड लगा सकते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं, आउटलाइन लिस्ट दे सकते हैं, ऑटो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ लगा सकते हैं, कोई करेक्टर्स अपने को चेंज करना है उससे रिलेटेड, तो वो सब चीजें आपकी इसके अंदर आती है, ठीक है. यूजिंग स्टाइल इज रिकमेंडेड इन राइटर, इन राइटर पेज स्टाइल डिफाइन द बेसिक लेआउट ऑफ ऑल पेजेस. आपको इसमें मतलब जो आपके पेज की जो बेसिक, जैसे कहते हैं ना लेआउट अपने जो होती है, किस तरीके से पेज नंबर लिखे हुए आने चाहिए, उसका पेज का साइज क्या होना चाहिए, उसमें मार्जिन क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बॉर्डर क्या होना चाहिए, हेडर एंड फुटर लगाना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये सब चीजें क्या है, इसकी बेसिक होती है हर एक पेज की, ठीक है. राइट कम्स विद सेवरल पेज स्टाइल विच यू कैन बिल्ड और ऑन और मॉडिफाई, एंड यू कैन डिफाइन न्यू पेज स्टाइल्स. आप अपने हिसाब से इसमें कस्टम भी पेज स्टाइल्स इसमें यूज कर सकते हो. यू कैन हैव वन और मैनी पेजेस स्टाइल इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट. इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई पेज स्टाइल, राइटर यूजेस द डिफॉल्ट स्टाइल. अब वो स्टाइल कौन कौन सी होती है, किस तरीके से अपने इसमें यूज करते हैं वो देखते हैं. नंबर वन आ रही है चेंजिंग टेक्स्ट केस. टेक्स्ट केस मतलब जो आपने टेक्स्ट यानी कि जो लाइन अपने ने जो वर्ड सिलेक्ट कर रखा है उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो. आप उसको अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो, साइकिल केस कर सकते हो, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड, ठीक है, और इसके अलावा टॉगल केस. ये आपके सारे के सारे केस हैं किसके, टेक्स्ट के. अपर केस आप लोगों को पता है कि सारा का सारा अगर आपको कैपिटल में चाहिए तो अपने किसका यूज करते हैं, अपर केस का. लोअर केस के अंदर आपका सारा का सारा जितना भी मैटर है, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है वो सारा स्मॉल हो जाएगा. साइकिल केस के अंदर क्या होता है कि अपर केस और लोअर केस दोनों का उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है. वेयर द टेक्स्ट चेंजेस बिटवीन डिफरेंट चेज केस ऑप्शन लाइक अपर केस टू लोअर केस टू कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड टू अपर केस अगेन एंड सो ऑन, ठीक है. इसके अंदर क्या है कि आपका अपर केस भी यूज हो रहा है और कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड यानी कि फर्स्ट जो लेटर होगा उसके अंदर सारा आपका कैपिटल में होगा, ठीक है, और लोअर केस भी यूज हो रहा है. तो ये भी अपने पांचों इसका यूज करके देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आता है सेंटेंस केस. सेंटेंस केस जैसे अपने जो लिखते हैं अपने कुछ भी कॉपीज वगैरह में, तो उसमें जो जहां से अपना नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर अपना कैपिटल करते हैं, देन अपना सारा स्मॉल होता है, तो ये वही स्टाइल है, ओके. कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा. और टॉगल केस क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारे आपके इसके अंदर क्या होंगे, कैपिटल होंगे, ओके. तो अब इसको प्रैक्टिकल में अपने अप्लाई करते हैं. मैं इतना पार्ट ले लेती हूं अमंग वेब प्रोफेशनल्स, ओके, इतना.
ओके अब इसको किस तरीके से यूज करना है अपने को, इसका इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले जो मेन्यू बार में यूज होएगा अपना उस पे जाते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है आपको। ओके फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है टेक्स्ट। ओके अब टेक्स्ट से रिलेटेड आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो बी अप्लाई ये करिए, कंट्रोल बी दबाइए, बाहर भी आपको बोल्ड से रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है तो अभी अपने टेक्स्ट में जो अभी अपने ने पढ़ा है उसी के बारे में देखते हैं। ठीक है सबसे पहला आता है अपना अपर केस। अपर केस जैसे ही करा देखिए ये सारे के सारे डेटा क्या हो गया आपका, अपर हो गया यानी कि कैपिटल में हो गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अपना लोअर केस। लोअर केस हर एक लेटर चाहे वो फर्स्ट लेटर हो वो सब आपके क्या हो गए इसके अंदर लोअर यानी कि छोटे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइकिल केस। साइकिल केस के अंदर आपका इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहा है बाकी सारे के सारे क्या हो गए हैं स्मॉल हो गए। ओके नाउ उसके बाद आता है अपना सेंटेंस केस। सेंटेंस केस और आपका साइकिल केस दोनों क्या है काफी हद तक सेम है। ओके उसके बाद नेक्स्ट है अपना कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड हर एक बिट। ओके इसके अंदर किस तरीके से होएगा आपका नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर टॉगल केस के बारे में। टॉगल केस आपका किस तरीके से वर्क करता है इसको सिलेक्ट करा तो देखिए इसका फर्स्ट लेटर आपका क्या हो गया स्मॉल हो गया बाकी सारे क्या आ रहे हैं आपने इसके अंदर कैपिटल आ रहे हैं। ओके तो ये सारे क्या है आपके केसेस है इसके अंदर कि आपको टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से कौन कौन सा केस लगाते हो वो चीज अप्लाई करना है। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना इसके अंदर देखिए ये चीज हो गई है। उसके बाद है अपना सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप लोगों को पता ही है सुपर यानी कि ऊपर की तरफ अगर अपना कोई टेक्स्ट अपने को लेटर के ऊपर कुछ लिखना है तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि ये देखिए एक्स थ्री लिखा हुआ है इस एक्स लेटर के ऊपर थ्री क्या है ऊपर की तरफ टाइप किया हुआ है। ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट यानी कि लेटर के नीचे की तरफ आपको यानी कुछ लिखना है तो जैसे 2HO या फिर O2 2H2O इस तरीके से जो लिखा हुआ है वो चीज आपकी क्या कहलाती है सब स्क्रिप्ट कहलाती है। ओके इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने जैसे मैंने ये स्किल्स है या फिर नया ही लिखते हैं लोगों अपने H2O लिखा है मैंने। अब मैं 2 को सिर्फ सिलेक्ट कर रही हूँ ठीक है तो अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करना है तो अपने किस पे जाएंगे या तो अपने फॉर्मेट पे जाके वही टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है। पहली चीज ये है इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और सब स्क्रिप्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है एक तो ये पैटर्न है इसके अलावा यहाँ पे जो साइड बार होती है अपनी इसमें जो प्रॉपर्टीज वाला जो आपका पार्ट है उसमें जाइए वहां पे भी देखिए आपको ये चीज मिल गई है। ठीक है तो आप जिसमें भी जाएंगे उसके अंदर उसका यूज कर सकते हो। ये देखो X2 और X2 यहाँ पे लिखा हुआ है एक ये पैटर्न हो गया तीसरा आपका यहाँ पे भी आपको मिल रहा है तो जिसको यूज करना है आप उस पैटर्न पे जाइए। ठीक है अब जैसे कि मेरे को सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है तो मैंने इस X2 को दबाया तो ये 2 देखिए आपका ऊपर की तरफ चला गया यानी कि सुपर स्क्रिप्ट हो गया और यही मैंने X2 ये दबाया ये प्रेस किया तो ये 2 आपका नीचे की तरफ आ गया यानी कि सब स्क्रिप्ट हो गया है। ओके अब इसके अंदर नेक्स्ट अपनी एडिटिंग आती है इंडेंटिंग पैराग्राफ्स।
इंडेंटिंग पैराग्राफ्स, आपको पता है कि कोई भी पैराग्राफ जब अपने स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए अपने जो स्पेस छोड़ते हैं इंडेंट, यानी कि अपने किस तरीके से स्पेस छोड़ छोड़ के वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये स्पेस छुड़ा हुआ है, ये मार्जिन जो है अपने, तो अपना जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, इंडेंटिंग पैराग्राफ। उससे पहले अपना एक टॉपिक रह गया है रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग, मतलब आपने जो फॉर्मेटिंग की है स्टार्टिंग में, अभी जो जैसे कि लास्ट अपने ने जो फॉर्मेटिंग करी है वो कौन सी की है अपने ने, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को यूज किया है, तो अगर आपको उसको क्लियर करना है तो आप लोग फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाएंगे वापस से, उसके अंदर आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग वाला आपको मेन्यू बार में पार्ट मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करिए तो आपकी वो चीज डिलीट हो जाएगी, फॉर्मेटिंग डिलीट होगी, टेक्स्ट नहीं। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस एम भी प्रेस करोगे तब भी आपकी वो फॉर्मेटिंग डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना इंडेंटिंग पैराग्राफ। इंडेंटिंग पैराग्राफ मतलब आपको जो डिस्टेंस बीच में, जैसे सपोज मैंने ये डायग्राम इसके अंदर लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है तो ये चीज आपकी क्या आ रही है, इंडेंटिंग कहला रही है, ठीक है। तो अब आपको टेक्स्ट इंडेंट आपके इसके अंदर सेटिंग्स दी भी होती है कि बिफोर आपके कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट मार्जिन में कैसी स्टार्ट होनी चाहिए, आफ्टर कैसे होनी चाहिए, या फिर राइट मार्जिन में कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन में इंडेंट कितना होना चाहिए, लास्ट लाइन में आपका कितना इंडेंट होना चाहिए, तो वो चीज आपको इसके अंदर पूरी सेट करनी होती है, ठीक है। तो वो अपने किस तरीके से करेंगे, इसमें इसका प्रैक्टिकल पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अब अपने को इंडेंट को चूज सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए इंडेंट्स आपके यूज हुए हुए हैं कि आपको कौन कौन से, ये देखिए इंडेंट, ये सारे इंडेंट या तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो कि इंक्रीज करना इंडेंट को, डिक्रीज करना है, या फिर जैसा है हैंगिंग वैसा ही रखना है, या तो ये पार्ट यूज करिए, या फिर इससे रिलेटेड ये रहा आपका इंडेंट सारा का सारा, इंक्रीज डिक्रीज ये आपका यहाँ पे भी पूरा शो हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर सपोज देखिए अभी यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीज करा इंडेंट को, तो इसको क्लिक करा तो मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगी यहाँ पे देन एंटर, तो मेरी टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस वाले पोर्शन से स्टार्ट हो रही है, और उससे पहले कहाँ से हो रही थी, इस इंडेंट से, यानी कि पहले मैं सिर्फ इतना स्पेस छोड़ रही थी और अब कितना स्पेस हो रहा है इसके अंदर, इतना, ओके। आप इसको यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर देखिए इसके अंदर ये जो 0.49 लिखा हुआ गया, यानी कि टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको कितना इंडेंट छोड़ना है, ये वो चीज है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना इसमें लेफ्ट, या दूसरा आता है डिक्रीज इंडेंट। अभी आपका देखिए मैंने यहाँ पे एंटर करा, अपना कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इस टाइप में, ठीक है। मैंने इसको डिक्रीज करा तो ये देखिए यहाँ से प्रेस होके ये इधर मूव हो गया है, तो अब मैं कुछ भी टाइपिंग करूंगी तो वो यहाँ से टाइप हो रहा है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हैंगिंग, यानी कि जहां से है वो वहीं से ही वापिस से स्टार्ट हो जाए, ओके। तो ये आपके इंडेंट्स इसके अंदर इस तरीके से यूज करते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट यहां से यूज करिए। अब इसके अंदर तो क्या है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने इसको दो बारी प्रेस करा, तीन बारी प्रेस करा, तो मेरा कहाँ से स्टार्ट होएगा पैराग्राफ लिखना, यहां से हो रहा है। अब या तो आप यहां से करिए, नहीं तो ये जो नंबरिंग है आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। ये देखिए यहां से शिफ्ट हो रहा है, तीन बारी सेट करने पे इतना आ रहा है, बट मुझे इसके अंदर चाहिए कि 1.04 इंडेंट चाहिए, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो आप इस तरीके से भी इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि आपको स्पेस कितना करना है, तो आपका ये जो लाइन में ये जो स्पेसेस अगर आते हैं तो वो किस तरीके से आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर करा, ठीक है, तो ये जो स्पेसेस है आपकी इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर अपना थ्योरी पार्ट में अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, ओके। अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, इसके अंदर आपका जो पैराग्राफ है पूरा,
चाहे आपने वन पैराग्राफ है चाहे टू पैराग्राफ, जितने भी अपने ने उसको सिलेक्ट करा है, तो आप उसका अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं कि भाई आपका जो पैराग्राफ है वो किस तरीके से सेट होना चाहिए, वो राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए, और जस्टिफाई यानी कि जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, या फिर सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो चीज भी हम इसके अंदर इसको सेट अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो वो कैसे करेंगे अपने इसके अंदर देखिए। मैंने मेरा ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, उसके बाद अलाइनमेंट आपकी इसके अंदर हर मतलब दो तीन जगह आपको इजीली मिल जाएंगे। या तो देखिए इसके अंदर अपने यहाँ से ही कर लेते हैं फटाफट से कि ये अपने ने अलाइनमेंट इसके अंदर सेट कर रखा है। अभी क्या है, सारा अलाइन लेफ्ट की तरफ है, यानी कि यहाँ से सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया है, तो ये देखिए सेंटर से स्टार्ट होते इसका अलाइनमेंट क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। टेक्निकल स्किल्स कहाँ पे आ गई, बीच में सेंटर में आ गया। अगर मैंने इसका सारा अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो देखिए यहां से पूरी हर चीज सेट हुई भी है, बट यहां से आपको स्पेसेस इसके अंदर दिखेंगे। और यही मैंने जस्टिफाई कर दिया, तो जस्टिफाई मींस जैसा है उसको वैसा ही हमने वापस से कर दिया। ओके, तो ये चीज आपकी क्या है, अलाइनमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बैकग्राउंड कलर। आपका जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड में कोई कलर देना है हमें, तो वो किस तरीके से देंगे अपने, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टीज विंडो में जाना है आपको। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड आपको सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर ये अपने ने ये जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला पार्ट, उसको सिलेक्ट करते हैं, जो कलर आपको सेट करना है। सपोज मैंने ये लाइट गोल्ड सिलेक्ट करा है, तो देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका क्या हो गया है, कलर हो गया। आप दूसरा कुछ देना चाहते हो तो वो चीज भी आप इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपको कोई इंसर्टिंग लिस्ट करनी है, या सेटिंग बॉर्डर, या फिर शेडिंग वगैरह लगानी है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे इसमें। तो अगर आपने को लिस्ट लगानी है सपोज, तो बुलेटेड वगैरह अपने ने बुलेट वगैरह यूज कर रखी है कि किस तरीके से करते हैं, तो या तो मैं यहाँ से करूंगी, तो देखिए ये स्टार्ट हो गई है, उसके बाद मैंने इस लाइन के बाद एंटर दबाया है, तो देन सेकेंड बुलेट, किस तरीके से आपकी बुलेट आ जाती है। ओके, बुलेट के अलावा अपने यहाँ पे इसके अंदर नंबरिंग वाला भी ऑप्शन है। ये इस पैटर्न में अगर अपने को जैसा चाहिए नंबरिंग अपने कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने ने आपको ध्यान हो नेविगेटर के गैलरी के अंदर गए थे, गैलरी में आपको इतनी सारी चीजें मिली है, तो आप उसको भी सेट इसके अंदर कर सकते हो। ओके, ये चीज थी अपनी बॉर्डर वगैरह अपने को किस तरीके से इसके अंदर लिस्ट वगैरह देनी है। नेक्स्ट आता है अपने को इसका बॉर्डर कैसे सेट करना है। बॉर्डर सेट करने के लिए वापस मैं इसके अंदर ही जाती हूँ प्रॉपर्टीज में, सॉरी फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में यहाँ पे सीधा किस पे जाएंगे, अपने पैराग्राफ पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि सारी चीजें आपकी किससे रिलेटेड है, पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। ये पैराग्राफ का मिल गया अपने को, इस पे क्लिक करिए, इससे रिलेटेड आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अभी वेट, ये देखिए अब आप इसके अंदर इसका इंडेंट एंड स्पेसिंग यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट, टेक्स्ट फ्लो, आउटलाइन एंड नंबरिंग जो अपने को लगानी है। अभी मैं सिर्फ बॉर्डर का यूज कर रही हूँ, तो बॉर्डर में मैंने जैसे कि इस टाइप का आपके सारे के सारे दिए हुए हैं, मैंने इसको सिलेक्ट करा है। देन उसका स्टाइल कैसा चाहिए, वो स्टाइल मैंने सपोज मैंने डबल लाइन वाला कर दिया है, कलर मैंने इसका चेंज कर दिया है, पर्पल कर दिया है, देन ओके करा, तो ये देखिए इसका बॉर्डर इस तरीके का सेट हुआ हुआ आ गया है। इसको मैंने वापस से सिलेक्ट करा है, देन वापस मैं फॉर्मेट में गई हूँ इसमें पैराग्राफ में। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने को कोई शेडो देनी है, ठीक है। ये बॉर्डर सेट हुआ हुआ है, बॉर्डर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर रखा है, इसके अंदर ये शेडो वाला पोजीशन है, तो शेडो मुझे इस टाइप की चाहिए कि ये नीचे की तरफ इस तरीके से आए, और उसका कलर मैंने जैसे डार्क रेड दे दिया है। ओके, देन ओके, तो ये देखिए इसके इस तरीके से इसके अंदर शेडो भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। ओके,